अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको वन ईयर बेबी के लिए मिडी फ्रॉक बनाना बताऊंगी। ये मैंने नेट का प्रिंटेड फैब्रिक लिया है और इसमें मैं दो अस्तर डालने वाली हूँ। तो ये मैंने प्लेन फैब्रिक लिया हुआ है और दूसरा एक फैब्रिक मैंने लिया हुआ है कॉटन का। तो सबसे पहले हम कॉटन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। ये फैब्रिक को मैंने फोर फोल्ड किया हुआ है। इसकी लेंथ मैंने 18 इंच रखी है। 18 इंच पर हम निशान लगा देंगे और ऊपर से हम चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेंगे और उसमें हम 2 इंच ऐड कर देंगे सिलाई मार्जिन के लिए। मैंने 7 इंच पर निशान लगाया है और ऊपर से एक निशान हम 10 इंच पर लगाएंगे और यहाँ से हम कमर की चौड़ाई का फोर्थ पार्ट लेंगे और उसमें भी हम 2 इंच ऐड कर देंगे। और नीचे से इसकी चौड़ाई मैंने 12 इंच रखी है। 12 इंच पर निशान लगाते हुए हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और दोनों निशानों को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। और नीचे से ऊपर हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और इसमें हम राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे। अभी इसे हम कट कर देंगे। तो इस तरह से मेरी कटिंग हो चुकी है और ऊपर से मेरी बंद वाली साइड है उसे भी मैं कट कर दूँगी। तो ये मेरे 2 पीस है फ्रंट और बैक के लिए। अभी सेम मेजरमेंट से हम प्लेन फैब्रिक की भी कटिंग कर देंगे और मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर देंगे। और मेन फैब्रिक की लंबाई मैंने 20 इंच रखी है। तो इस तरह से मैंने दोनों फैब्रिक की कटिंग कर दी है, मेन फैब्रिक की भी और अस्तर की भी। तो ये मैंने 1 पीस लिया हुआ है अस्तर का, उसमें हम बैक पार्ट में कट लगाएंगे। तो 5 इंच पर निशान लगाते हुए हमें इसमें कट लगा देना है। तो ये बैक का पार्ट होगा। तो इस तरह से मैंने इसमें कट लगा दिया है। अभी हमें फ्रंट का पार्ट सीधा रखना है और इसके ऊपर हमें प्लेन फैब्रिक को रखना है और उसके ऊपर हम दूसरा फैब्रिक रखेंगे और इसके ऊपर जो हमने कट लगाया है वहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अभी इसमें हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाते वक्त ध्यान रहे हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। उसके बाद हम दोनों अस्तर को उल्टी साइड पर पलट देंगे। इसके कोनों को हमें अच्छे से बाहर निकाल लेना होगा और इसके ऊपर हम कवर सिलाई लगा देंगे। अस्तर को पलटने के बाद हम इसके ऊपर कवर सिलाई लगानी होगी और इसे अस्तर के साथ जॉइंट भी कर लेंगे नीचे की साइड से, दोनों साइड से। और ऐसे ही हमें फ्रंट का पार्ट भी पलट लेना है दोनों अस्तर को मिलाते हुए। इसमें मैंने सिलाई लगा दी है। अभी दोनों अस्तर को हम उल्टी साइड पर पलट देंगे और इसके ऊपर हम कवर सिलाई लगा देंगे और दोनों साइड से हम इसे अस्तर के साथ जॉइंट भी कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे अस्तर के साथ जॉइंट कर लिया है फ्रंट और बैक के दोनों पार्ट को। अभी जो हमारा नीचे का दोनों अस्तर है उसकी बॉर्डर को हमें डबल फोल्ड करना है और इसमें सिलाई लगा देनी है। फ्रंट और बैक के दोनों पार्ट को हमें इसकी बॉर्डर को डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हम एक पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और साइड से 2 इंच का गेप देते हुए हम इसकी फिटिंग कर देंगे। दोनों साइड से हम इसकी फिटिंग कर देंगे। उसके बाद हम नीचे की बॉर्डर को डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे या फिर आप इसमें स्टिच करवा लीजिए। तो ये देखिए, मैंने इसकी फिटिंग कर दी है दोनों साइड से और नीचे की बॉर्डर को मैं स्टिच करवा लूँगी। और ये मैंने 2 स्ट्रिप बनाई हुई है। इसकी लंबाई मैंने 8 इंच रखी है। सबसे पहले हम मिडी फ्रॉक को सेंटर में निशान लगा देंगे। बिल्कुल सेंटर में हम निशान लगा देंगे और जो हमने निशान लगाया है उस निशान से आगे हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। दोनों साइड से हम 2.5 इंच पर निशान लगा देंगे। बैक साइड पर भी हम 2.5 इंच पर निशान लगा देंगे और यहाँ पर हमें स्ट्रिप को रखना है और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। फ्रंट और बैक साइड से हमें इसमें सिलाई लगा देनी है दोनों स्ट्रिप को जॉइंट करते हुए। तो ये देखिए, मैंने इसमें स्ट्रिप अटैच कर दी है और नीचे की बॉर्डर को भी मैंने फोल्ड कर दिया है। और बैक साइड से हम इसमें हुक्स लगा देंगे एंड आईज बना देंगे। तो इसी के साथ ये हमारा मिडी फ्रॉक बनकर रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें
और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। अभी हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।